क्या बताना चाहते हैं आप स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर? स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हमारे गांव समाज को, मेरे पंचायत को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और अच्छी तरह से मेरा पंचायत सुरक्षित से अच्छा रहे। जाना चाहेंगे कितने वार्ड हैं आपके पंचायत के अंतर्गत में? 13 वार्ड है। 13 वार्ड। और सात निश्चय योजना की बात करें, जो कि सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, वो आपके हिसाब से क्या है, सफल है या असफल है? अभी तो लग रहा है कि सफल है, असफल नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक जितना हम लोग काम कराए सात निश्चय में, अभी तक किसी को MB नहीं हुआ है। इसका क्या कारण रहा है? कारण इंजीनियर का दोष है, पदाधिकारी का दोष है, मुखिया का थोड़ा दोष है। क्या करते हैं लोग इंजीनियर और पदाधिकारी? इंजीनियर नहीं जाकर देखते, देखभाल करते हैं। पंचायत में एक में भी हमारा, हम लोग 9 को काम किए हैं, 7 को बैठी बैठ गया है, किसी को भी नहीं हुआ है आज तक, अभी तक नहीं हुआ है। क्या क्या काम हुआ है सातों से? सातों में जंगल का काम हुआ है, गली नली का काम हुआ है, पुल का पुलिया का काम हुआ है। और क्या बताना चाहेंगे, और कहाँ परेशानी आ रही है इसके अलावा आपको? परेशानी आ रही है, मान ली कि इंदिरा आवास है, इंदिरा सहायक मुखिया कहता है कुछ, इंदिरा सहायक कुछ करता है, माने कि इंदिरा आवास सरकार दिया है, कौनो सर सलाह नहीं है, 3 तला लोग इंदिरा आवास देता है, और जिसके पलानी है घर है उसको इंदिरा आवास नहीं मिलता है। तो ये कैसे हुए सर? दलाल लोग है, इंदिरा आवास के साथ में दलाल है। क्या करता है दलाल लोग? दलाल लोग लाभुकांको से पैसा तो चुनता है। कितना राशि में? कितना राशि का? राशि का 5,000-10,000 सब लोग चुनता है। और क्या बताना चाहेंगे आप, राशन किराशन का क्या स्थिति है आपके पंचायत में? राशन किराशन का स्थिति तो अभी ठीक है, लेकिन उसमें भी जितना उठाव होता है, जिसको मान ली कि कार्ड नहीं है, गुम हो गया, उसको राशन उठाव कर लोग बेच देता है, जिसको है उसको मनमानी देते हैं, बाकी राशन से कुछ आशा है, राशन किराशन का स्थिति कुछ आशा है। जैसा कि आपने देखा, अभी हमारी बात हो रही थी टियर पंचायत के मुखिया जी से, इनका कहना है कि सात निश्चय योजना असफल है, MB नहीं आ रहा है, और वरीय पदाधिकारियों से भी इनका शिकायत है। और क्या बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? मान लीजिए हमारा पंचायत है, हमारा पंचायत में 14 किलोमीटर यहाँ से भी यहाँ अस्पताल है, यहाँ पर एक डॉक्टर नहीं है, एक हॉस्पिटल नहीं है, छोटो मोटो हॉस्पिटल है रहना चाहिए, कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। तो इसके लिए अपने वरीय जन प्रतिनिधि से आप बताएं कि नहीं बताएं? कहा है, एकदम कहा है, प्रमुख से अपने मीटिंग में कहा है। क्या आश्वासन मिला उधर से? होगा, भेजते हैं, होगा, जिला में भेजते हैं, वहाँ से की स्वास्थ्य विभाग में भेजते हैं, होगा। टियर पंचायत के संतोष पंडित जी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि मुखिया जी के काम से ये संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं, कैसा काम कर रहे हैं मुखिया जी, या और भी क्या चल रहा है, और क्या बताना चाहते हैं? अभी तक तो जितने भी हम देखे, अभी जितने भी मुखिया मेरे पंचायत में हैं, उनसे कहीं ना कहीं बेहतर है ये, लोगों को थोड़ा सा भी कोई दिक्कत परेशानी है उनसे जाके मिलना। अभी हाल ही फिलहाल में मेरे यहाँ एक बजरंग शर्मा है, उनकी पानी में डूबने से मौत हो गई। हम देखें कि सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक उन्हीं के द्वार पर एकदम खड़े थे, और CO का अच्छा कर ला के उसके बाद उनको बोले कि जो भी है इनको टाइम टू टाइम मिलते हैं, बहुत बेहतर हो सकता है, काम करना, आना जाना सारा लग जाता है। कितना काम अभी तक लगभग हुआ? तो हर माने मेरे गाँव में अगर देखा जाए तो जितने भी वार्ड हैं सभी को काम दिए हुए हैं, अब वार्ड लोग कर नहीं पा रहे हैं, अब टीम की कमी तो है,